नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर, जहां पर आप देख सकते हैं दो ट्रकों के बीच में किस तरीके से जोरदार भिड़ंत होती है। और यहां पर रेलिंग तोड़ता हुआ ये ट्रक आप देख सकते हैं जो आगे की तरफ चल रहा होगा, क्योंकि इसका पिछला हिस्सा है वहां से इसको टक्कर लगी है। एक बार आपको ट्रक के पिछले हिस्से की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे और मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से सर्विस लेन पर ये ट्रक रेलिंग तोड़ता हुआ, आप देख सकते हैं रेलिंग बिल्कुल नीचे यहाँ पर गिर चुकी है, रेलिंग तोड़ता हुआ ये ट्रक किस तरीके से आकर फंस चुका है। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर करें। ये ट्रक आगे की तरफ होगा तभी आप देख सकते हैं पिछले हिस्से से इस ट्रक को जोरदार टक्कर लगी है। और जो ट्रक आगे जा चुका है, यानी कि जो ट्रक इस ट्रक के पीछे जा चुका है, उसकी भी हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि आगे से जो भी उसकी बॉडी है ट्रक की, वो बिल्कुल टूट फूट चुकी है, खराब हो चुकी है। एक बार आपको दूसरे ट्रक की भी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, लेकिन अपील आप सभी लोगों से मेरी यही रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर करें। हरियाणा के करनाल से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेशनल हाईवे से क्रेन भी यहाँ पर पहुंची हुई है और किस तरीके से जो ये लोहे का जितना भी सामान है उसको क्रेन की मदद से एक दूसरा ट्रक जो बीचों बीच यहाँ पर खड़ा है उसमें लोड किया जा रहा है। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि जितने भी लोग आप देख सकते हैं कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखने से साथ के साथ शेयर भी करें। और आप देख सकते हैं कि टक्कर कितनी ज्यादा जोरदार है कि जो टायर है ट्रक के वो भी बुरे तरीके से टूट कर नेशनल हाईवे के बीचों बीच गिर चुके हैं। और ये जो लोहे की जितनी भी फटियां हैं, लोहे का जितना भी ये सारा का सारा सामान है, किस तरीके से इस वक्त नेशनल हाईवे के बीचों बीच पड़ा हुआ है। ये जोरदार जो टक्कर हुई है अब से कुछ देर पहले हुई है, ये सड़क हादसा आप देख सकते हैं। दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे से हम ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। एक बार आपको दूसरे ट्रक की भी हालत दिखाना चाहेंगे जिस ट्रक ने अगले हिस्से से टक्कर मारी है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलबीर कुमार है। कहाँ से आप? पानीपत से। क्या हुआ यहाँ पे, हादसा कैसे हुआ? ये रात 10:30 बजे हुआ है। रात को हुआ? रात का हुआ। तो ये गाड़ी आ रही थी आगे से, उस अगली गाड़ी ने ब्रेक मारी या कार थी आगे, वो कार को बचाते उसने ब्रेक मारी, ये गाड़ी घूम गई और वो गाड़ी पलट घूम के पलट गई है वो वाली। तो इस ट्रक में ये सारा लोहे का सामान ये उसमें था पर उसका सामान पलटी हो चुका है। ये ट्रक अगले हिस्से से जा रहा था, वो ट्रक आगे था, वो ट्रक पीछे था, वो उधर पलट गया सड़क के ऊपर ही, ड्राइवर साइड को। तो ड्राइवर वगैरह सलामत? सब ठीक ठाक है। कुछ कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये? पानीपत से गोविंदगढ़ जा रहे थे। वो पानीपत से जा रहा था, वो पीछे से लेके आया था, ये फतेहगढ़ पंजाब में जा रहा था, ये पंजाब साइड जा रहा था। हाँ, दोनों पंजाब साइड जा रहे थे। तो आप कौन है? मैं गाड़ी का मालिक हूँ। आप गाड़ी के मालिक हैं? इस गाड़ी के मालिक हैं। तो दूसरे दोनों ट्रकों में था क्या, क्या क्या लोड था? वो लोहे के पैप है, ये लोहे स्क्रैप है, ये लोहे के स्क्रैप है। आप देख सकते हैं एक ट्रक में लोहे का स्क्रैप है, दूसरे ट्रक में लोहे के पाइप है, क्रेन की मदद से दोनों को किस तरीके से जो उनका सामान है जो बाहर इस वक्त लोहे के स्क्रैप है या फिर लोहे के जो पाइप है उनको किस तरीके से नेशनल हाईवे की क्रेन यहाँ पर पहुँच चुकी है। और नेशनल हाईवे की जो क्रेन यहाँ पर पहुँची है अब किस तरीके से इन लोहे के सामान को जो ये ट्रक बीचों बीच यहाँ पर खड़ा है इसमें लोड किया जा रहा है। एक बार आपको दूसरे ट्रक की तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे जिस ट्रक की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, जिस ट्रक ने दूसरे ट्रक को पीछे से टक्कर मारी, जिसके बाद आप देख सकते हैं वो ट्रक किस तरीके से रेलिंग तोड़ता हुआ नेशनल हाईवे के सर्विस लेन पर पहुंच चुका है। आप सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़कर यही अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर करें। दोनों ट्रक बताए जा रहे हैं कि दोनों ट्रक ही पंजाब की तरफ जा रहे थे, एक ट्रक पानीपत की तरफ से जा रहा था और दूसरा ट्रक भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि पंजाब में जा रहे थे। और आप देख सकते हैं कि कितनी जोरदार टक्कर कल रात को बताई जा रही है। हालांकि मैंने आपको पहले यह बताया था कि अब से कुछ ही देर पहले का मामला, लेकिन जानकारी के मुताबिक अब यह बात निकलकर सामने आ रही है कि यह हादसा कल रात 10:30 बजे के करीब हुआ है, यानी कि रात के समय में यह हादसा हुआ है। एक बार ज्यादा जानकारी के लिए
कुछ लोगों से बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे, लेकिन अपील आप सभी लोगों से मेरी यही रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है जी। कौन है आप? मैं मिस्त्री हूँ। मिस्त्री है तो ये ठीक करने के लिए आए हुए हैं? मैकेनिक है। हाँ जी। तो कैसे हुआ ये हादसा? इसको तो नहीं पता। नहीं जी। तो ड्राइवर वगैरह सेफ है? सब ठीक। हाँ सब ठीक है जी। दोनों ट्रकों के ड्राइवर सही हैं? किसी को चोट भी नहीं आई? किसी को चोट भी नहीं आई? नहीं जी। दोनों पंजाब की तरफ जा रहे थे? बस कुदरत की वजह होना था जो हो गया। ये तो एक होना होनी है। आप देख सकते हैं दोनों ट्रकों के जो ड्राइवर है वो सही सलामत है। ये ट्रक आप देख सकते हैं अगली तरफ चल रहा था, जिस ट्रक को पीछे से टक्कर मारी गई, पीछे की आप हालत देख सकते हैं, सब कुछ टूटा हुआ है। लोहे के पाइप इस ट्रक में है, आप देख सकते हैं इस ट्रक में लोहे के पाइप लोडेड हैं, और जो भी सामान इस तरफ टूटा बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, मैकेनिक भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, नेशनल हाईवे से क्रेन भी यहाँ पर पहुंची हुई है, क्योंकि दूसरा जो ट्रक है उस ट्रक में लोहे की स्क्रैप थी, और उस स्क्रैप को किस तरीके से क्रेन की सहायता से उठाया जा रहा है। एक बार आपको दूसरे ट्रक की भी तस्वीरें दिखाएंगे जिस ट्रक की वजह से एक्सीडेंट हुआ था, और यहां हम आपको दूसरे ट्रक की तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि इसी ट्रक के बारे में बताया जा रहा है, इसके अगले हिस्से से जो है टक्कर लगती है, और दूसरा ट्रक किस तरीके से रेलिंग तोड़ता हुआ नेशनल हाईवे की सर्विस लेन पर पहुंच जाता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला जो हिस्सा है ट्रक का बुरी तरीके से चकना चूर हो चुका है, ये आप देख सकते हैं अगला हिस्सा है। लेकिन गनीमत की बात यहाँ पर ये रही, जो सबसे बड़ी बात निकल कर सामने आई कि जो दोनों ट्रकों के ड्राइवर हैं उनको कोई आँच नहीं आई, यानी कि उनको कोई दिक्कत नहीं आई, कोई चोट नहीं आई, जो दोनों ट्रकों के ड्राइवर हैं वो सही सलामत हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो अगला हिस्सा है इस ट्रक का वो बुरी तरीके से चकना चूर हो चुके हैं। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर करें। हालांकि बहुत बार देखा जाता है जो इस तरीके के जो हादसे होते हैं वो रात के समय में होते हैं, और ये भी हादसा, ये जो बड़ा सड़क हादसा हुआ है दो ट्रकों के बीच में, किस तरीके से जोरदार भिड़ंत यहाँ पर हुई है, क्योंकि अगला हिस्सा आप देख सकते हैं और दूसरे ट्रक का पिछला हिस्सा हमने आपको दिखाया पूरी तरीके से टूट फूट चुका है। इस ट्रक में भी जो लोहे की स्क्रैप थी वो सारी की सारी नेशनल हाईवे पर इस वक्त नीचे है, और जिसको नेशनल हाईवे की क्रेन की मदद से अब उठाया भी जा रहा है। इस ट्रक को भी सबसे पहले साइड किया गया था क्रेन की मदद से ही। ये ट्रक आप देख सकते हैं जहाँ पर स्क्रैप गिरी उससे कितनी दूर ये इस ट्रक को यहाँ पर लाया गया। अगला हिस्सा आप देख सकते हैं बुरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है। एक बार इस ट्रक का आपको नंबर भी दिखाना चाहेंगे कि आखिर इस ट्रक का क्या नंबर है, और जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक दोनों ट्रकों के जो ड्राइवर हैं वो सलामत हैं, और सबसे बड़ी बात जो ये दोनों ट्रक हैं वो पंजाब की तरफ ही जा रहे थे। इस ट्रक का मैं आपको नंबर दिखाना चाहूँगी, HR69A0585, ये इस ट्रक का नंबर है जिस ट्रक के बारे में ये जानकारी मिल रही है कि इस ट्रक से ही हादसा हुआ, यानी कि इस ट्रक की वजह से ही टक्कर हुई थी दूसरे ट्रक को। और आप देख सकते हैं दूसरे ट्रक की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहें। और मैं आपको बताना चाहूँगी कल रात ये बड़ा सड़क हादसा मधुबन की तरफ करनाल आते हुए, यानी कि मधुबन से करनाल आते हुए बीचों बीच यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हादसा हुआ है दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे का। इस ट्रक का हम आपको नंबर बताना चाहेंगे, जो ट्रक आप देख सकते हैं जिसको पीछे से टक्कर लगी और किस तरीके से वो रेलिंग तोड़ता हुआ नेशनल हाईवे, दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे की सर्विस लेन पर, इस ट्रक का नंबर हम आपको एक बार बताना चाहेंगे, पंजाब का ये नंबर है PB23M9022, ये इस गाड़ी का नंबर है। और दूसरे आप देख सकते हैं क्रेन अब यहाँ पर पहुँच चुकी है और इस ट्रक को भी यहाँ से हटाया जाएगा। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। दोनों जो ट्रक हैं उसमें लोहे का काफ़ी हैवी सामान था। एक ट्रक जो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें लोहे के जो है पाइप है, और दूसरे ट्रक में लोहे की स्क्रैप थी जिसको जो नेशनल हाईवे की जो क्रेन है उसके द्वारा साइड किया गया। ट्रैफिक भी हालांकि कुछ स्लो यहां पर ज़रूर हो गया था, लेकिन आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। आप देख सकते हैं जो ट्रक यहाँ पर आगे चल रहा था किस तरीके से अब उसको क्रेन के सहारे उठाया जा रहा है और उठाकर साइड किया जाएगा। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि वीडियो को देखें भी और इसे शेयर भी करें। लेकिन गनीमत की बात ये रही कि दोनों ट्रकों के बीच में
काफ़ी हैवी जो सामान था, हैवी लोडेड जो ये दोनों के दोनों ट्रक थे, लोहे के सामान से, एक लोहे के पाइप और एक लोहे के स्क्रैप से। लेकिन गनीमत की बात ये रही कि जो दोनों ट्रक के जो ड्राइवर हैं वो सही सलामत हैं। हालांकि ये जो ट्रक आप देख रहे हैं, ये ट्रक आगे की तरफ चल रहा था क्योंकि पिछले हिस्से से इस ट्रक को टक्कर मारी गई है। दूसरे ट्रक की तरफ से दोनों ट्रक पंजाब की तरफ जा रहे थे। गनीमत की बात ये रही कि दोनों ट्रकों के जो ड्राइवर हैं वो सही सलामत हैं। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील कि वीडियो को देखें भी और इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं M24, मैं उमेश शर्मा करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।